करके कुछ बड़े लोगों के नाम आप लोगों से साझे किए और उनके बारे में ये कहा था कि उनकी दोगली नीति किस प्रकार बहुत जल्द एक्सपोज होने वाली है, किस प्रकार हरियाणा में जहां तक आंदोलन की बात है उसके दो अलग अलग चेहरे हैं। और आज गुड़गांवा के अंदर जो इंसिडेंट हुआ, जो रैली हुई, उसके अंदर कहीं ना कहीं योगेंद्र यादव जो हरियाणा के और गुरनाम सिंह चदुनी जो हरियाणा के अंदर किसान आंदोलन को लेकर के चल रहे हैं उसका मुखौटा बने हुए हैं, आज वो दोनों व्यक्ति बुरी तरह एक्सपोज हो गए। ना केवल एक्सपोज हो गए बल्कि प्रदेश की 2.5-3 करोड़ जनता को इन लोगों का असली चेहरा किस प्रकार, जहां इनको फायदा मिले, जिन लोगों को बदनाम करने के लिए इन लोगों को फायदा मिले, जहां इनको राजनीतिक जमीन मिले, जहां इनको अंडर द टेबल प्रॉफिट मिले, या जहां इनकी स्पॉन्सर्ड पॉलिटिकल पार्टी को राजनीतिक लाभ मिले, आज इन लोगों ने वो साबित कर दिया। कुछ दिन पहले गुरनाम चंदूरी और विशेष तौर पर योगेंद्र यादव के बारे में तो मैं ये बात कहने से पहले जरूर कहूंगा कि वो एक ऐसी शख्सियत है, ना जाने कैसे उन्हें इस पंक्ति में शामिल कर लिया गया, मैं तो बड़ा हैरान। समूचे राष्ट्र में कोई बेतुका आंदोलन भी हो जिसका कोई मतलब और मकसद ना हो, वहां भी योगेंद्र यादव पहली पंक्ति में खड़े हो, चाहे त्रिपुरा के अंदर, मेघालय के अंदर, चाहे केरला के अंदर, कर्नाटक के अंदर, कहीं कोई बैनर लगा के खड़ा हो जाए, ये आदमी सबसे पहले अपना झोड़ा उठा के वहां पहुंच जाता है। आज वो व्यक्ति बेनकाब। मैंने कल ये कहा था कि ये हरियाणा वाले जो दुष्यंत चौटाला का, मनोहर लाल जी का विरोध करते हैं, क्या ये उन लोगों का विरोध कर रहे हैं जिन्होंने केंद्र में वो 3 कानून बनाने के लिए वोट डाले? आज वो बात एक्सपोज हो। मैंने कल कहा था योगेंद्र यादव, अगर तू सही मायने में किसानों का हमदर्द है, किसानों का नेता है, अगर योगेंद्र यादव सही मायने में इन 3 कानूनों में कोई कमी है और तू इनके मायने में इनके लिए सबको एक नजर से देखता है, या संयुक्त किसान मोर्चा जो दिल्ली में गठित है वो सबको एक नजर से देखता है, आज उसका पता चल जाएगा। आज मानेसर के अंदर एक रैली हुई, राव इंद्रजीत जी उसमें शामिल हुए, जहां से ये योगेंद्र यादव संबंध रखता है उस इलाके से, धूमधाम से रैली मनाई गई, किसान रैली का नाम रखा गया, किसानों ने खुल करके वहां पर किसानों की बात की, राव साहब ने भी किसानों की बात की, केंद्र की सरकार कानून के बारे में बात की, उसको अच्छा बताया, हरियाणा के बारे में बात की, एक भी आदमी इस संयुक्त किसान मोर्चा का, एक भी आदमी ये कहते थे, कल मैं सोशल मीडिया पे पढ़ रहा था कि पुलिस को अड़ा देते हैं, ये होता है, वो होता है, मैंने सारी वीडियोग्राफी करवाई, कोई पुलिस मौजूद नहीं, कोई फोर्स मौजूद नहीं, एक भी आदमी संयुक्त किसान मोर्चा का विरोध करने वाला उस रैली में नजर नहीं आया। मैं हैरान हूं कि वो योगेंद्र यादव कुछ दिन पहले सिरसा में आकर दुष्यंत चौटाला को चुनौती देकर के गया, ये कहकर के गया था कि दुष्यंत चौटाला और जेजेपी और बीजेपी का हम विरोध करेंगे, हम सबको एक आंख से देखते हैं। आज ये पता चल गया कि ये घर के शेर नहीं है, अगर ये वहां जाकर के विरोध करता तो रेवाड़ी की और गुड़गांव की जनता इसको सबक सिखाने का काम करती, इसको एक्सपोज करने का काम करती। और मेरी खुली चुनौती थी कल से सोशल मीडिया पे, बहुत सारे लोग कह रहे थे
हम जाएंगे विरोध करेंगे, कहां है आज लोग? मैं पूछना चाहता हूं ठेकेदारों से हरियाणा प्रदेश के अंदर कि पटौदा गांव के अंदर पीछे रैली हुई, कहां गए थे तुम लोग, कहां छुपे हुए थे तुम लोग, कहां था योगेंद्र यादव, कहां था गुरनाम चंदू? और उसी झज्जर जिले के अंदर जब दुष्यंत चौटाला का हेलीकॉप्टर उतरता है तो फिर ये सारे मेंढक अपने बिलों में से निकल करके भूपेंद्र हुड्डा के एजेंट, दूसरी तीसरी पार्टियों के एजेंट सब निकल करके वहां बाहर आ जाते हैं, दुष्यंत चौटाला का विरोध करते हैं। आज ये साबित हो गया मेरे कल के चैलेंज के बाद। बहुत सारे लोगों ने डिबेट करी कल रात को टेलीफोन मिलाया योगेंद्र यादव के, छोटे मोटे चैनलों पर आकर बड़ी बड़ी बातें करने वाला, राष्ट्रीय चैनलों पर आकर बड़ी बातें करने वाला, कल एक भी टेलीफोन कॉल पे नहीं आया, कहीं नजर नहीं आया योगेंद्र यादव। कल से भीगी बिल्ली बड़ा बैठा है, यूपी के बारे में ट्वीट कर रहा है और चीजों के बारे में लिख रहा है, हमने जो ट्वीट किया, हमने जो सोशल मीडिया पर लिखा, हमने जो सवाल पूछे उसके बारे में जवाब नहीं है इसके पास, और सिरसा में आकर चुनौती देता है। आज मैं खुली चुनौती देता हूं कि योगेंद्र यादव और चंदूनी जब सिरसा अगली बार आएंगे तो मैं हमारे कार्यकर्ताओं के साथ उस व्यक्ति से जाकर के पूछूंगा कि या तो तुम दो मुआ सांप हो जिसके दो अलग अलग चेहरे, या तुम राजनीति से प्रेरित, या तुम किसी के एजेंट हो, और लोगों के सामने इसको एक्सपोज करो। मैंने एक कल कहा था, आज एक भी आदमी नहीं आएगा और कुछ समय में घंटे दो घंटे में आप सब लोगों के सामने वो वीडियो जारी होगा। वहां के लोगों ने खुले तौर पे ये कहा कि ये बेगैरत इंसान है। वहां पर किसानों से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये यहां से भगाया हुआ इंसान है, ये जो मूवमेंट लेकर के चलता है ये वेस्टेड इंटरेस्ट है, इसका पैसा पता नहीं कहां से आता है। मैं तो आज भी अपील करता हूं मुख्यमंत्री जी से, उप मुख्यमंत्री जी से, भारत की सरकार से अपील करता हूं कि इन लोगों के पीछे क्या ताकतें हैं उनका पता लगाया जाए। ये स्वराज भारत मूवमेंट कहां से चल रही है, इस पे पैसा कहां से आ रहा है, ये कहीं चाइना या कोई और भारत की एजेंसी तो नहीं जो इनको फंड कर रही है, जो अपने घर के अंदर विरोध नहीं कर सकता, जिस मुद्दे पे इतनी बड़ी मूवमेंट चला रहा है वो बाहर जाकर नेता बन जाए, ये ऐसे नहीं हो सकता। इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश, और मैं सिरसा और अन्य जिलों की जनता से कहूंगा कि ये मेरे हरियाणा के लोगों, आज आप देखो इन लोगों, इन चीजों को बारीकी से पहचानो कि कौन आपका हमदर्द है, कौन आपका दुश्मन है, कौन आपसे क्या करवाना चाहता है, कौन इस हरियाणा को दो फाड़ करना चाहता है, कौन अपने इलाके के अंदर मुंह बंद रखता है और दूसरी जगह जाकर के चिल्लाता है। दुष्यंत चौटाला ने जब कहा था योगेंद्र यादव जी आओ मेरे साथ चलो, 43 के 43 संयुक्त किसान मोर्चा के लोगों को कहा था हाथ जोड़ करके कि मैं अमित शाह जी से, मोदी जी से तैयार हूं आपकी बात करने, क्यों नहीं आया? मैं कल पूछ रहा था तो शायद कुछ क्वेश्चन मार्क होते, मगर आज आप मीडिया के लोगों को इस बात को कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता है, आप ये बात साबित हो गई। आज ये इस पर मोहर लग गई कि ये लोग, कुछ लोग इस संयुक्त किसान मोर्चा के अंदर एक बड़ी साजिश कर रहे हैं दुष्यंत चौटाला के खिलाफ, आज ये बात साबित। मैं फिर आज निमंत्रण दे रहा हूं, मैं अपनी पार्टी के लोगों से बात करूं और ऑफिशियल तौर पर संयुक्त किसान मोर्चा के लोगों को हम पत्र लिखेंगे कि दुष्यंत चौटाला जी ने जो निमंत्रण आप लोगों को दिया था कि आओ मेरे साथ, मैं केंद्र की सरकार से आप लोगों को लेकर के जाता हूं बातचीत करवा, अगर किसान भाई इनके बहकावे में आकर के अगर ये कहीं उनको बरगलाकर हमारे खिलाफ लाएंगे तो हम उनसे पूछेंगे किसान भाइयों से कि आपके ये नेता पिक एंड चूज की राजनीति क्यों कर रहे हैं, जो वोट डालते हैं जिसने कानून बनाया उसका विरोध नहीं कर रहे, और जिसने वोट नहीं डाले, जिसका कोई रोल नहीं, जिस पार्टी का कोई मेंबर नहीं, उस पार्टी का विरोध कर रहे। 33 साल का नौजवान हरियाणा का भविष्य, हरियाणा की आस और उम्मीद बनकर जब अपने कदम आगे बढ़ा रहा तो इनके पेट में दर्द होता है, और जो वोट डालते हैं उनका ये फूलमाला लेकर के स्वागत करते हैं, एक की भी हिम्मत नहीं होती। आज वहां कोई पुलिस नहीं थी, मैं पूछूंगा इन लोगों से और मैं मेरे किसान भाइयों से कहूंगा, हरियाणा प्रदेश के किसान भाइयों, ये पंजाब की जथेबंदियां तुम्हें गुमराह कर रही हैं। मेरी हाथ जोड़ के अपील है कि गुरनाम चंदूनी
और ये सम्राट भारत मूवमेंट चलाने वाला योगेंद्र यादव आज एक्सपोज हो चुका है। आप इन पर प्रेशर बनाओ, आप हम पर प्रेशर ना बनाओ, क्योंकि हम तो इस बात को स्वीकार चुके हैं कि हम आपकी बात करने को तैयार है। केंद्र सरकार हरियाणा से हल नहीं निकलेगा। मैं आज हाथ जोड़ के अपील करता हूं, विनती करता हूं, निवेदन करता हूं किसान भाइयों से, मेरे किसान परिवार, मेरे हरियाणा परिवार से, कि आओ दुष्यंत चौटाला के साथ मिलकर इन नेताओं को कंपेल करें और इन नेताओं को मजबूर करें कि दुष्यंत चौटाला की बस में बैठकर दिल्ली अमित शाह जी से और देश के प्रधानमंत्री जी से इस बात का स्पष्टीकरण मांगे कि इनकी जो कमियां पेशियां हैं उन सारी चीजों को दूर करना चाहिए। और दुष्यंत चौटाला कोई कमजोर नेता नहीं है, कि चौधरी देवीलाल का खून है। मैं बड़े विश्वास से कह सकता हूं कि जब आप लोग साथ चलेंगे, किसान नेता साथ चलेंगे, मैं बड़े खुले दिल से कह रहा हूं, दुष्यंत चौटाला के साथ वहां जाकर आपकी हक और हुकूक की बातचीत जब होगी, तो फिर ये सारे मुद्दे, ये जो सारी कठिनाइयां परेशानियां आपकी पहली कलम से हम दूर करवाने का काम करें। मगर अगर आज भी ये लोग हिम्मत नहीं कर पाए तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कमी दुष्यंत में नहीं, कमी इस सरकार हरियाणा की सरकार की नियत में नहीं, फिर कमी इन लोगों में है जैसे आज ये एक्सपोज हुए हैं। मैं हरियाणा में बैठे किसान भाइयों से, जो धरनों पर बैठे हैं, जो आंदोलनरत हैं, मैं उनसे कहूंगा, हाथ जोड़ के अपील करूंगा कि आज हमें कंपेल ना करें, बल्कि कंपेल करें, मजबूर करें, विवश करें तो इन किसान नेताओं को करें कि दुष्यंत जब कह रहा है तो तुम इसके साथ जाकर बातचीत करने को तैयार हो। आज ये मेरा बड़ा क्वेश्चन मार्क इन किसान यूनियनों से, मैं फिर कहूंगा किसान नेताओं से कि पीछे की बात पीछे छोड़कर आज भी खुले दिल से निमंत्रण है कि दुष्यंत चौटाला के साथ इस बात को केंद्र की सरकार तक लेकर के जाएं। और 10-11 महीनों से जो किसान भाई हमारे परेशान हैं, पीड़ित हैं, उनकी इस कठिनाइयों का, उनकी जो मन में शंकाएं हैं उनको दूर करने का काम करें, यही मेरा आज सबसे बड़ा प्रश्न। और आज जो हालात बने, मानेसर के अंदर एक भी व्यक्ति विरोध करने नहीं आया, मैं सिर्फ ये दिखाना चाहता था। कल मेरा चैलेंज जो था, मैं किसी व्यक्ति को चैलेंज नहीं करता, ना ये मेरी सोच है ना ये हमारी नीयत, मगर योगेंद्र यादव को चैलेंज करने का सिर्फ और सिर्फ मकसद, नीयत वो इतनी ही थी कि ये आदमी जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है, जो राष्ट्रीय स्तर पर अपने आप को नेता मानता है किसानों का, वो एक्सपोज हो जाए। और आज इसकी शून्य क्षमता आप लोगों के सामने है। ये तो दूसरों के दम पर, कहीं किसी का आंदोलन हो, कहीं किसी की कोई सोच हो, उसको कैप्चर करना चाहता है, उसमें अपने चेहरे को आगे लगाना चाहता है। ये आदमी एक्सपोज हो चुका है, ये आदमी बेगैरत है, ये आज सबको पता है। आप लोग